अलमैकम जी ये देखें मैंने लहसुन और अदरक जो है वो मैंने छीन लिया छीन लिया था अब मैं इसका बनाऊंगी पेस्ट क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं रमज़ान की कुछ मेरी बहनों ने तो तैयारियां कर ली हैं और कुछ की जो है वो जारी हैं अच्छा होता है कि रमज़ान से दो तीन दिन पहले ही हम सारे काम जो हैं वो कंप्लीट कर लें क्योंकि थकावट फिर हो जाती है बहुत ज़्यादा और रमज़ान आने से पहले ताकि आपका सारा काम जो है वो रेडी हो जाए ताकि रमज़ान में आप जो रोज़े हैं वो बड़े सुकून से और इतमान से रख सकें और आपको थकावट ना और आप इबादत फुल तरीके से कर सकें तो ये जी मैंने पेस्ट बना लिया है अब मैं जार में डाल के इस पेस्ट को रख दूँगी इसमें ऑयल अगर डाल दें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता वन मंथ तो आपका बड़ा ईजिली निकल जाता है मैं इसके क्यूब नहीं बनाती मैं इसी तरह जार में डाल के रख देती हूँ क्योंकि इससे जो है इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता और वन मंथ आपका ईज़िली जो है वो चल जाता है तो ये देखें जी अब ये पुदीना और धनिया और हरी मिर्च है इसका भी मैं पेस्ट बना के रख लूँगी क्योंकि दही भल्लों के लिए फिर जो है ये हरी चटनी बहुत ही काम आती है और इनके भी जो है वो मैं बना के और पेस्ट बना के तो फिर मैं रख लेती हूँ सारा कुछ समेटने का और बनाने का मकसद ये होता है ताकि आपको रमज़ान में इबादत करने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके क्योंकि सहरी अफ्तारियाँ तो हो रही होती हैं जाहिर सी बातें वो भी लाजमी होती हैं तो ये सारा कुछ अगर पहले से बना हो तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है तो इनको मैं क्यूब बना के रखूँगी इस तरह से मैं जो है ये ट्रे मैंने स्पेशल इसी के लिए रखी हुई है और इसमें देखिए देखे मैंने क्यूब बना लिए हैं अब मैं जो है इसको बैग में डाल के और इस तरह से फ्रीज करके मैं रख दूँगी और फिर अफ्तारी के टाइम बहुत ईजी हो जाता है दही भले बनाने हों और उसमें डालने के लिए बहुत ज़्यादा इजी और झटपट से आपकी जो है वो अफ्तारी रेडी हो जाती है तो ये जी मेरी ग्रीन चटनी के बिल्कुल बन के बिल्कुल रेडी है अब हम इसको जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे ठीक है ये तैयार हो गया तो ये देखें बिल्कुल जी बिल्कुल बन के रेडी है और मैं जी लेके आई थी पालक अब मैं यह है पालक पालक को भी हम जो है कर, साफ़ करके और करके रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ना इसका कलर ख़राब होता है और ना ही टेस्ट ख़राब होता है पकोड़ों के लिए पकोड़े तो आपको पता है कि रेडी डेली बनने होते हैं तो इसलिए फिर बहुत ज़रूरी होती है पालक और पालक में तो फिर डेली अच्छा खासा जो है वह काम लग टाइम लग, लगता है तो इसलिए ये देखिए मैंने जी कट करके और मैंने वॉश कर लिया था और ये ड्राई होने के बाद ये इस तरह से अब मैं इनको बैग में डाल के और इस तरह से मैं इसको भी फ्रीज़ करके रख लूँगी बहुत ही जो है वो टाइम सेविंग हो जाती है हम खातन के लिए और बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए ये देखिए जी मेरी पालक बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको भी बिल्कुल फ्रीज़ कर दूंगी अब मैं जी शामी कबाब बनाऊंगी चिकन के शामी कबाब के लिए ये मैंने सारा जो है इसका मसाला वगैरह रेडी कर लिया है अब मो प्र पेशर लगाऊँगी और प्रेशर लगाने के बाद ये देखें जी कुछ इस तरह से मेरा ये तैयार हुआ है और मैं जो पीस है ये मैं पूरे डालती हूँ क्योंकि इससे जो है ना वो शामी कबाब में रेशे बहुत अच्छे बनते हैं तो ये मेरा बन के रेडी है अब मैं जी इसके चिकन के जो है ये सारे मैं इस तरह से इसके रे, रेशे जो है बना लूँगी इसको मैं रेडी कर लूँगी और ये देखें बड़ा ईजी हो जाता है और बहुत ही मज़े के ये शामी कबाब बन के जो है वो रेडी होते हैं और इस तरह से ये होता है कि किसी टाइम आपका दिल नहीं कर रहा होता अफ्तारी में तो जन कबाब बने होते हैं तो आप कबाब के साथ खाना खा लेते हैं जैसे मेरी ईमान भी रोज़े रखती है तो कभी उसका दिल नहीं होता कोई सब्ज़ी या कीमा इस तरह की कोई चीज़ हो सहरी में खाने के लिए तो कबाब के साथ या रोल बना देती हूँ तो वो बड़े आराम से खा लेती है और अफ्तारी के टाइम अगर शामिया हों तो ये कि सैंडविच बनाने में बहुत ईजी हो जाता है कभी दिल करे रोल बनाने में तो रोल भी बन जाते हैं कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती कुछ खाने के लिए नहीं हिम्मत होती तो शामियाँ अगर हों तो बहुत ईजी हो जाता है कि रायते के साथ जो है पराठे के साथ जो है बड़े मज़े से इंसान जो है इसको कर लेता है तो ये देखें जी मेरा सारा ये रेडी हो चुका है अब मैं जो है इसको शेप दे लूँगी और सारी में शेप दे फिर हम इसको फ्रीज कर लेंगे तो ये देखें ये फ्रीज हो चुके हैं अब मैं इनको भी बैग में डाल के जिपर बैग में डाल के और हम इनको जो है वो सेव करके और हम अपने फ्रिज में रख देंगे तो बहुत टाइम सेविंग हो जाती है रमज़ान के महीने में, में और हम खुवान के लिए स्पेशली क्योंकि रमज़ान के महीने में, में काम का बर्डन थोड़ा बढ़ जाता है काम बढ़ जाता है लेकिन अगर हम पहले से तैयारी करके रखें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और हमें बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है इबादत के लिए तो अब समोसे के लिए जो है वो मैं तैयार कर लूँगी ये मैंने चिकन लिया है और मैं बनाऊँगी चिकन वेजिटेबल के जो हैं वो समोसे बहुत ही मज़े के बनते हैं और समोसे आपको पता है समोसे पकौड़े ये तो अफतारी के टाइम जो है मस्त चाहिए होते हैं ईमान भी बहुत शौक से खाती है और आजकल तो मौसम भी अच्छा है तो इस मौसम में तो वैसे ही दिल करता है कि पकोड़े हो समोसे हो तो बस जी ये में हम रेडी कर लेंगे इन समोसों को भी और इस तरह से करके हमारा हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओमान में फर्स्ट जो है वो रमज़ान है तो इन उम्मीद है कि इन शाला बहुत अच्छा रमज़ान जो है हमारा गुजरेगा और ये और गानों में डालती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो ये देखिए मेरे ये मसाला बन के रेडी है अब जो है मैं ये सारे समोसे जो है ये अपने बना लूँगी बहुत टाइम लगता है समोसे बनाने के लिए लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा अगर बना के रख लें तो बहुत टाइम की सेविंग हो जाती है ये देखें जी मेरे मैंने छोटे समोसियाँ भी बनाई हैं और मैंने थोड़े बड़े साइज के भी बनाए हैं दोनों साइज़ के बनाए हैं अब मैं जो है बैग के अंदर जो है वो बटर पेपर लगा के और इसके साथ ही मैं इनको जो है वो रख लूँगी क्योंकि इससे ये होगा बटर पेपर से कि ये आपस में जो है ये चिपकेंगे नहीं और इजीली जो है ये पैक हो जाएंगे बजाय इसके कि मैं पहले इसको ट्रे में रखूँ और फिर जब ये फ्रीज हो तो फिर मैं बैग में डालूँ इसलिए फिर मैंने जो है ये अपना आइडिया से मैंने कहा कि बटर पेपर बीच में लगा के और बैग में ही डाल के रखी ताकि मेरा टाइम थोड़ा सेविंग हो जाए और ये एक ही दफ़ा में रेडी हो जाएंगे तो ये देखिए जी इस तरह से मैंने अपना बैग जो है ये समोसों का ये भी रेडी कर लिया है ये रेडी हो चुका है और इसी तरह से बटर पेपर लगा के जो हूँ मैं इस तरह से करके रेडी करके फिर मैं ये रख लूँगी तो ये देखें माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इस तरह से करके ये देखें फिर हम इसको लॉक कर देंगे ये देखें ये मैंने एक तैयार करके रखा हुआ था और दूसरा भी मेरा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है अब ये जाएंगे फ्रीज़र में और आराम से ये हमारे समोसे जो हैं ये बन के रेडी हो चुके हैं तो ये मैं लेके आई थी जार और ये जार बहुत ही मुझे, मुझे मज़े का मिल गया था मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और ये टू के जी जो है ये बेसन है और इस बेसन में जो इस जार में जो है ये टू के जी बेसन जो है आ गया सर थोड़ा सा इसमें से बचा था और बाकी जो है ये इसमें आ गया है पूरा का पूरा बेसन और मुझे बहुत ही अच्छा जार लगा और इसको कैरी करना भी बहुत आसान है ये हैंडल के साथ है और ये देखिए इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं आप बेसन डालें दाने शुगर राइस कुछ भी आप इसमें डालें बिस्किट्स भी डाल सकते हैं नीमको भी डाल सकते हैं एयर टाइट है बिल्कुल भी सोगी नहीं होगा तो ये देखिए माशाला से तकरीबन मेरा जो है वो काम जो है रेडी हो चुका है रमज़ान का और ये देखिए माशाला से बिल्कुल जो है वो तैयारी हो चुकी है हमारे रमज़ान की और कैसे लगे आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक जो है वो मुझे देते रहिए और खुश रहें आबाद रहें और मेरी दुआ है कि हम सब का यह रमज़ान जो है खैर आफियत से गुजरे और हम जो भी इसमें रोज़े रखें इबादतें करें और दुआ है कि अल्लाह जो है वो कबूल मंजूर फरमाए और हमें फुल हिम्मत दे इबादत करने की तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए ओके अल्लाह हाफिज़